हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में थोड़ा तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा मैं लो बोल रहा था, ठीक है, बट कोई नहीं, इस बार तबीयत ठीक हो चुकी है। आपके लिए आज मैं लेके आ चुका हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बहुत तगड़ी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर के आ गया हूँ, जो कि सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करके बहुत अच्छा खासा एक्यूरेसी, बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगी, ठीक है। इंट्राडे स्ट्रेटजी तो वैसे मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ, आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट भी देते हो इंट्राडे स्ट्रेटजी पर, बट आज एक और लेकर के आ चुका हूँ जो कि आपका कहीं भी काम करेगी, किसी भी स्टॉक में काम करेगी, यहाँ तक कि इंडेक्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम करने वाली है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है इस स्ट्रेटजी के अंदर। दूसरा, इंडिकेटर एक लगाना होगा, तो वो कौन सा इंडिकेटर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं मैं, जो कि बिगनर से प्रो लेवल तक हम लेकर के जाएंगे। एक एक वीडियो आपको कंपलसरी होगी उस सीरीज के अंदर देखने के लिए। सीरीज में मैं सिर्फ वीडियोज ही नहीं बनाऊंगा, वीडियोज बनाने के साथ साथ आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप एक बहुत जल्दी एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने स्ट्रेटजी के ऊपर। देखो, इंट्राडे स्ट्रेटजी के दो रूल्स हैं। पहले मैं चलो लिख देता हूं उनको, टेक्स्ट पर चलेंगे। यहां मैं लिखूंगा इंट्राडे स्ट्रेटजी, ठीक है। इंट्राडे अपने तरफ से लगा लेना, इंट्राडे स्ट्रेटजी मैंने लिख दिया। दो पॉइंट हमको सिर्फ यहां कवर करने हैं। पहला पॉइंट है हमारा जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे वो अभी आप देखोगे यहां पर चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये दो चीजें बस आपको याद रखनी है, सिर्फ ये दो चीजें। क्या? 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, एक मूविंग एवरेज करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम ऑलरेडी लगा चुके हैं अपने पर, निफ्टी का चार्ट यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंडिकेटर्स में हम चलेंगे मूविंग एवरेज, तो यहां पर आप मूविंग एवरेज पूरा भी लिख सकते हो इस तरीके से, मूविंग एवरेज। अब सिंपल क्या करो, एम ए लिख दो, एम ए, तब भी मूविंग एवरेज आ जाएगा। सिंगल क्लिक करोगे जैसे ही तो ये खुल के आ जाएगा। अब यहां जाओगे सेटिंग्स में, स्टाइल में जाना, यहां थोड़ा सा डार्क कर लेना, ब्लू कलर है चलो ब्लू या फिर रेड कर लो, ठीक है। उसके बाद इनपुट्स में जाना, या 9 की जगह क्या करोगे, मेन खेल है यहां पर, ध्यान से समझो 200। अब 200 का यूज हम कब करते हैं पहले आपको ये बता देता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। 200 मूविंग एवरेज का हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पता करने के लिए। किस लिए? लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पता करने के लिए, ठीक है। तो आज हमारी स्ट्रेटजी जो होने वाली है 5 मिनट पे है, मूविंग एवरेज 200 का यूज हो गया। यहां मैं अपडेट कर देता हूं इस तरीके से, 200 का मूविंग एवरेज, ठीक है। ये दो चीजों का ध्यान पूरी वीडियो में रखना है आपको, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेना है वो समझो। 5 मिनट की जो कैंडल हमने लगाई है, मतलब एक कैंडल हमारी 5 मिनट की हो गई, ठीक है, समझ गए इतना तो खैर आपको आता होगा, नहीं आता तो आज समझो। 5 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब है हर एक कैंडल 5-5 मिनट की है, मतलब ये है 9:15 से 9:20 की, ये है 9:20 से 9:25, ये 9:25 से 9:30, इस तरीके से 5-5 मिनट की कैंडल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, पहली 4 कैंडल्स, 1, 2, 3, 4, इनका हाई, इन चारों कैंडल्स में जो भी हाई बनाए, ठीक है, मान लो दूसरी कैंडल ने हाई बनाया, तो जो भी हाई बनाया और जो भी लो बनाया उसे मार्क कर लेंगे, पहली चीज। तो यहां पर चलो हम मार्क भी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे, एक यहां और 1, 2, 3, 4, चौथी के नीचे एक यहां, 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मूविंग एवरेज का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, सब कुछ रेड रेड हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा इसका, ऐसा करते हैं हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ब्लू हो गया, ठीक है, अब थोड़ा अच्छा से देखेगा। पहली कंडीशन हो गई हमारी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, दूसरी कंडीशन हो गई हमारी 200 का मूविंग एवरेज, तीसरी कंडीशन हो गई हमारी पहली 4 कैंडल्स, मतलब 9:15 पे मार्केट खुल रहा है, पहली 4 कैंडल्स 9:35 तक की लग जाएंगी। तो 4 कैंडल 5-5 मिनट की बनती हैं, इन चारों का हाई और लो मार्क कर लेंगे, कर लिया इतना कर लो। अब इसके बाद जो चौथी कंडीशन है वो देखो, आपका जो मूविंग एवरेज है वो उस दिन राइजिंग है या फॉलिंग है। राइजिंग होता है जब मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके नीचे मूविंग एवरेज चल रहा हो, और फॉलिंग होता है जब मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर से ऐसे मूविंग एवरेज आ रहा हो, ठीक है, इसे कहेंगे फॉलिंग, इसे कहेंगे राइजिंग। तो इतना समझो कि राइजिंग का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और जब मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसे समझो, चलो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो। राइजिंग मूविंग एवरेज तब होगा जब मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, और फॉलिंग मूविंग एवरेज तब होगा जब फॉलिंग मूविंग एवरेज के नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, समझ गए। सिंपल से स्टेप थे यार, कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है। चलो अब इसको यार रिमूव भी कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा ना क्लियर रहे तो क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो। चलो ना, अपने को स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना रह गया, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को एक बार फेवरेट में डाल देता हूँ, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, है ना, डाल दिया। चलो अब देखो 4 कैंडल, तो जो भी अगली कैंडल ब्रेकआउट देगी
जैसे ये रेड कैंडल दे रही है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारा यहाँ पे अलार्म लगा होगा, पहले से ही हाई लो मार्क कर लिया, अलार्म लगा लो इसका और इस प्राइस का। ऊपर एक चीज और आपको बता दूं, अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो हम लोग बाइंग नहीं कर सकते, और अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो हम लोग सेलिंग नहीं कर सकते, कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। अब जैसे ये क्या फॉलिंग है तो हम सिर्फ सेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और सेलिंग ही हो रही है, देखो नीचे ही जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां ट्रेड लगेगा, इससे पहले वाली कैंडल का हम लगाएंगे SL, यहां लगा दिया, 1:2 लेके निकल लो, 1:2 लेके निकलो, कहां, यहां कहीं इस कैंडल पे पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई। एक ट्रेड हमें मिला आज ही के दिन, प्रॉफिट हुआ हमारा। चलो और चलते हैं पीछे, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं दोनों लाइंस को। देखो सबसे पहले हमारा काम होगा, ये दो कंडीशन तो हमने लगा ली ना, 5 मिनट 200 MA, ठीक है, इनको हटा दो। सबसे पहला काम होगा हमको देखना है मूविंग एवरेज, राइजिंग है फॉलिंग है, यहां पर क्या है, फॉलिंग है, ठीक है। तो चार कैंडल्स का लगा लिया हमने, ये हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया, ठीक है। अब फॉलिंग है तो नीचे चाहिए, बट ये पहले ऊपर को तोड़ गया, तो इस दिन को ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है, ट्रेड अवॉइड हो गया। चलो नेक्स्ट डे आ जाओ है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाइंग कर सकते हैं। तो चार कैंडल्स का हाई और लो मार्क करेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, हाँ चार कैंडल्स का ही हुआ है ना, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है, हाँ। तो उसकी अगली कैंडल तोड़ रही है ग्रीन वाली, यहाँ कहीं ट्रेड जाएगा, और उसके नीचे वाली कैंडल पे हमारा SL होगा, 1:2 लेके निकलेंगे। ये तो यही मिल गया यार, बहुत जल्दी मिल गया, चलो ठीक है, दो ट्रेड अभी तक लिए हैं, दोनों में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है ये, हाई और लो मार्क कर लें, सबसे पहले हाई एंड लो पहली कैंडल ने बनाया है, ठीक है, लगभग लगभग ये लेवल्स पे हो गया। चलो मूविंग एवरेज देखो, राइजिंग है फॉलिंग है, फॉलिंग है, ठीक है, तो हम सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं, और ठीक है नीचे टूटा है, ठीक है, परफेक्ट एंट्री। ये रेड कैंडल है, ओके, हमारा ट्रेड लगभग यहाँ लगेगा, इससे पहले वाली कैंडल पे हमारा SL होगा, यहाँ 1:2 लेके निकलेंगे, 1:2 यहाँ कहीं मिल गया, ठीक है, तीन ट्रेड लिए, तीनों में प्रॉफिट, ठीक है। और आ जाओ, और आ जाओ, यहाँ क्या हुआ, हाई और लो मार्क कर लेंगे, हाई और लो मार्क करो, मूविंग एवरेज देखो, बस इतना सा काम है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। तो अरे यार ये तो राइजिंग में था, देखो फॉलिंग होता तो ऊपर होता, राइजिंग में था, छोड़ दो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, क्योंकि क्यों अवॉइड करो, समझे बात को, ये राइजिंग में था, बाद में ये फॉलिंग में आया है, तो इस तरीके के ट्रेड अवॉइड करो। दूसरी चीज, अब राइजिंग में था तो हम बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते, छोड़ दो, अवॉइड करो, ठीक है। इस दिन आ गए, हाई और लो मार्क कर लो, चार कैंडल्स का, 1, 2, 3, 4 कैंडल्स, ठीक है। ये तो यार फॉलिंग में है, बट ये ऊपर जा रहा है, छोड़ो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, तुरंत अवॉइड करना है, ठीक है, फंसना नहीं है बिल्कुल भी, जो रूल है उस पर स्टक रहना होगा आप लोगों को, ठीक है, ओके। ये देखो राइजिंग में है, ठीक है, इस कैंडल ने तोड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा ट्रेड होगा, इससे पहले वाली कैंडल का SL होगा, और चलो ठीक है, यहाँ तो हमारा SL हिट हो गया, मतलब चार ट्रेड में से एक जगह हमारा SL हिट हो गया। आपने देखा हमने यहाँ पर लगभग चार ट्रेड देखे जिनमें से हमारा एक जगह SL हिट हुआ और तीन जगह हमने प्रॉफिट किया, तीन जगह हम विन हुए, एक जगह हम लूज किए। इसका क्या मतलब समझते हो, ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकाल के दे रही है, ठीक है। आप इसको अलग अलग स्टॉक्स में ट्राई करो, कहाँ ट्राई करो, जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ, यहाँ जाना है प्लस के आइकॉन पर, या NSE इंडिया सर्च कर लेना है, ये आ रहा है पहले ही नंबर पर, इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है, हर बार ये बात बताता हूँ यार, तब समझो आप लोग, ठीक है। इक्विटी एंड SME मार्केट पर क्लिक कर देना है, या निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लेना है, ये रे 50 स्टॉक, सब में ट्राई मारो, इस स्ट्रेटजी को हर जगह ट्राई मारो, यहां तक के आप इंडेक्स में भी ट्राई करो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह ट्राई करो, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छा खासा मुनाफा यहां से कमा पाओगे, समझ गए। ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, आई थिंक हर बंदा यूज कर सकता है, बिगिनर हो, मीडियोकर हो, जो भी है, हर बंदा यूज कर सकता है। और अगर आपको पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो अभी कुछ दिनों पहले ट्रायंगल पैटर्न पे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, जाके एक बार देख लेना, बहुत अच्छा समझ में आएगी चीजें आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ जाओगे चीजों को। CPR पे बनाई थी, और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है, ये सब देखो जाके यार, तब तो जाके प्रॉफिट कमाओगे किसी चीज में, जब आप नॉलेज गेन कर लोगे तब तो कुछ अच्छा कर सकते हो, तो नॉलेज गेन करो, ठीक है।